नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। लालगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत रानीताल पेट्रोल पंप पे एक युवक को बदमाशों ने मिलकर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। वहीं घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लालगंज CSP प्रभाष शुक्ला ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि राजा चौक निवासी नदीम खान अपने दोस्त के साथ पेट्रोल भरवाने के लिए रानीताल गया हुआ था। वहीं पेट्रोल पंप में 8-10 लड़कों का आपस में विवाद चल रहा था। विवाद इतना बड़ा कि आपस में मारपीट होने लगी। वहीं पास में नदीम खड़ा था, जिसे लड़कों ने एक दूसरे का साथी समझकर उस पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे नदीम वहीं घायल होकर गिर पड़ा। वहीं विवाद करने वाले लड़के वहां से फरार हो गए। जहां घायल की रिपोर्ट पर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया गया है। नदीम की हालत अब भी नाजुक है। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। नदीम नाम के लड़के को पेट्रोल भराने आए हुए कुछ युवकों ने मारपीट किया, चाकू मारकर उसको गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसमें 293, 523, 527 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। आरोपी गणों को रात ही में पकड़ा गया और सबको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है और उसमें मेडिकल रिपोर्ट समय पर और धारा बढ़ाने की कार्रवाई की जाती है। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।